हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है वो है इनुमरेशन। आप इसको इनम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट ओपन करने से पहले हम इनम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इनम के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ग्रुप के अंदर बहुत सारे वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं सेम टाइप के, ठीक है। उसके बाद उसका एडवांटेज क्या है इनम का, उससे गाइस क्या होगा कि हम बहुत बार देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली फाउंड नील वैल्यू और एम्प्टी वैल्यूज आ जाती है, उसके हिसाब से क्या होता है कि प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता है। सो ये टाइप सेफ है गाइस। सो ये सारी एरर्स आपको नहीं आएगी, ठीक है। ये कैसे का एडवांटेज था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है आज। ओके, तो सबसे पहले एक्सपोर्ट ओपन करते हैं एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सिंगल वे एप्लीकेशन इनम यूट्यूब, यहाँ पे ये सारी चीज़ की जरूरत नहीं है। Then next and create, okay। Now अभी हम क्या करेंगे, directly view control में जाते हैं, ठीक है। ये जो code जो use नहीं है उसको मैं पहले तो remove कर देता हूँ, इसको यहाँ पर थोड़ा कर देते हैं, okay, ठीक है। Okay guys, so now इनम के दो type होते हैं, विथआउट टाइप भी हम यूज कर सकते हैं और विथ टाइप भी हम इनम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इनम विथआउट टाइप में यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, विथआउट टाइप, ओके। सो इनम को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंपली इनम लिखना है, उसके बाद इनम का जो नाम देना है आपको वो देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉलेज लिख रहा हूँ, कॉलेज, ओके। उसके बाद जैसे कि स्विच के अंदर हम केस देते थे ना, वैसे ही यहाँ पे केस देना है। यहाँ पे मैं केस दे रहा हूँ कि स्टूडेंट नेम, ओके। और एक और केस दे रहा हूँ मैं, कॉलेज नेम, कॉलेज नेम, एंड एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है, रोल नंबर ऐसा। सो कॉलेज की डिटेल्स है, स्टूडेंट नेम है, कॉलेज की नेम है और आईडी है, ठीक है। अभी ये विथआउट टाइप है, यहाँ पे मैंने कोई यहाँ पे स्ट्रिंग है या इंटीजर को मैंने टाइप डिक्लेयर नहीं की। अभी इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन विथआउट टाइप, ओके। और इसको वीडियो लोड के अंदर कॉल कर देता हूँ मैं विथआउट टाइप, फाइन। सो नाउ लेट कॉलेज डिटेल एक वेरिएबल बना देते हैं। तो आपका जो इनम का जो नेम है वो कॉलेज डॉट, मुझे यहाँ पे फेच करना है कॉलेज का नेम क्या है, सो कॉलेज का नेम, ओके। इसको अगर आप प्रिंट करोगे कॉलेज डिटेल को, इसको रन करते हैं और देखते हैं। ये हमें रिटर्न कर रहा है कॉलेज नेम जो आपने यहाँ पे लिखा है वो। सो आपने जो इनम के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका अगर आपको नेम चाहिए, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम है तो आप स्टूडेंट नेम आपको चाहिए, तो आप इस तरीके से उसको गेट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्विच केस ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा कॉलेज डिटेल जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया वो, ठीक है, ओके। अभी इसके अंदर मैं केस ले रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास तीन केस है, एक है कॉलेज नेम, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा, मैं मेरी कॉलेज का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, साल कॉलेज। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट केस की जरूरत नहीं है, अरे यार, ओके। एंड केस जो है वो है आईडी, उसमें मैं प्रिंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 83 प्रिंट लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और केस ले लेते हैं, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ योगेश, ओके। सो गाइस, यहाँ पे है कॉलेज नेम, सो मुझे यहाँ पे कॉलेज का नेम प्रिंट होके आना चाहिए, तो इसको ये पहले उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्विच केस के थ्रू यहाँ पे मैंने पूरा स्विच केस बना लिया सारे केसेस के लिए। सो अभी यहाँ पे साल कॉलेज प्रिंट होके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉलेज नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस साल कॉलेज आ गया, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेम। सो यहाँ पे योगेश लिख के आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से आप, ये सिंपल एग्जांपल था, तो आप इस तरीके से इनम को यूज़ कर सकते हो और वैल्यू को गेट कर सकते हो, ठीक है।
अभी विथआउट टाइप है ये इनम, वो आपको पता ही है, तो यहाँ पे आप इसकी इंडेक्स वैल्यू गेट कर सकते हैं, हैज वैल्यू, उसको हैज वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि लेट नेम हैज, यहाँ पे मैं ऐसा नाम लिख देता हूँ, कॉलेज जो हमारा इनम का नेम है वो डॉट कॉलेज नेम डॉट हैज वैल्यू, ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं नेम हैज को। ओके, कॉलेज नेम नहीं, स्टूडेंट नेम, इसलिए मैंने नेम लिखा था। सो ये जीरो पर है, तो ये मुझे नेम हैज मुझे जीरो प्रिंट आके दे देगा, ठीक है, आ गया जीरो। ओके, सो आप हैज वैल्यू को भी गेट कर सकते हैं कि कौन सी इंडेक्स नंबर की वैल्यू है, वो भी आप गेट कर सकते हैं। ओके गाइस, ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया विथआउट टाइप। तो एक बात हमेशा याद रखना इनम के लिए कि विथआउट टाइप जब होता है तब हम उसकी हैज वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, रो वैल्यू हमें नहीं मिलती है वो, ठीक है। रो वैल्यू मीन्स अगर यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मैंने डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट का नेम, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, इसको मैं बिल करता हूँ, देखो यहाँ पे एक एरर आ गई, इनम केस कैन नॉट हैव अ रो वैल्यू इफ द इनम डज नॉट हैव अ रो टाइप, ठीक है, क्योंकि विदाउट टाइप है, सो यहाँ पे हम रो वैल्यू नहीं गेट कर सकते। अगर हमें रो वैल्यू गेट करें तो हमें उसको टाइप देना होगा, तो अभी हम वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विथ टाइप, ओके, तो इनम कॉलेज टाइप लिख देते हैं। ओके, नेम आप अपने हिसाब से लिखना, मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए मैं ऐसा नाम लिख रहा हूँ। ओके, केस स्टूडेंट नेम, केस कॉलेज नेम एंड आईडी, तो यहाँ पे मैं टाइप लिख रहा हूँ इसकी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैंने विथ टाइप कर दिया इसको। अभी मैं यहाँ पे ही वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट नेम है योगेश एंड कॉलेज नेम है साल कॉलेज एंड आईडी है वन, ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं विथ टाइप करके, इसको मैं यहाँ पे यूज करना है तो इसको यहाँ पे असाइन कर देते हैं। अभी लेट कॉलेज टाइप डिटेल इज इक्वल्स टू कॉलेज टाइप जो हमारे इनम का नाम है वो डॉट कॉलेज नेम, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करते हैं कॉलेज टाइप डिटेल। उसके बाद लेट कॉलेज टाइप रो इज इक्वल्स टू कॉलेज टाइप, मैं आपको समझाता हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ उसके बाद आपको समझा दूंगा, ठीक है। रो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा कॉलेज टाइप रो, उसके बाद हैज वैल्यू वो तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे ऐसे ही मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली कॉलेज टाइप डॉट कॉलेज नेम डॉट हैज वैल्यू, यहाँ पे प्रिंट होगा कॉल हैज, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रखते हैं और इसको मैं रन करता हूँ। और अभी मैं हैश वैल्यू रो वैल्यू क्या है उसका डिफरेंस भी मैं यहाँ पे समझा दूंगा, और ये हमने यूज किया विथ टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस सॉरी, मैंने यहाँ पे विथ टाइप मुझे यहाँ पे लिखा था, मैंने सोचा विथआउट टाइप के अंदर कैसे ब्रेक पॉइंट आ गया, सो ये वीक टाइप था। सो यहाँ पे कॉलेज टाइप डिटेल, यहाँ पे जो नाम आपने लिखा होगा वो आएगा, तो यहाँ पे मुझे कॉलेज नेम मिल रहा है जो ये इसका नाम है वो, तो आपको इसका नाम जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो गेट करना है, तो आप डायरेक्टली कॉलेज टाइप और कॉलेज नेम लिख सकते हो, तो डायरेक्टली जो नेम होगा वो यहाँ पे गेट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद रो वैल्यू, तो रो वैल्यू यहाँ पे आएगी साल कॉलेज जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की कर दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा रो वैल्यू, देन यहाँ पे जीरो सॉरी वन, ओके कॉलेज वन पे है, ओके, तो यहाँ पे हैज वैल्यू, तो आयो आप समझ गए होंगे, जो भी नेम है वो गेट करना है तो डायरेक्टली कॉलेज नेम, जो भी नेम है वेरिएबल का वो आप लिख सकते हो, उसकी रो वैल्यू गेट करनी है कि आपने कुछ भी डिफाइन किया है तो उसकी रो वैल्यू आपको गेट करनी है तो डायरेक्टली रो वैल्यू लिख सकते हो, एंड कौन सी इंडेक्स के ऊपर है तो आप उसके लिए हैज यूज कर सकते हो, ठीक है। सो एक सिंपल सा था, ओके, सो ये था विथ टाइप एंड विथआउट टाइप। अभी क्या करते हैं, इनम को यूज करते हैं बट उसके अंदर फंक्शन क्या भी यूज करते हैं। ओके,
सो अभी इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और इनम बना देता हूँ, इनम कॉलेज, एक काम करते हैं ओके कॉलेज लिखते हैं, कॉलेज फंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को पहले तो कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं डिस्क्रिप्शन, वो मुझे रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्विच केस बना दूंगा, सेल्फ केस होगा यहाँ पे डॉट स्टूडेंट नेम, तो वो मुझे रिटर्न कर देगा रिटर्न माय नेम इज योगेश, एक और केस कॉलेज नेम, वो रिटर्न मुझे करेगा सर कॉलेज, केस आईडी रिटर्न, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक इनम डिक्लेयर किया और उसके अंदर एक फंक्शन जो डायरेक्टली मुझे रिटर्न कर देगा नेम जो भी है वो, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे जाते हैं लेट कॉल फंक्शन डिटेल इज इक्वल टू जो भी नेम है पहले तो इनम का वो कॉलेज फंक्शन डॉट कॉलेज नेम डॉट डिस्क्रिप्शन, इसको प्रिंट करते हैं, तो जो भी डिस्क्रिप्शन हमने जो भी सेट किया है वो डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये अच्छा है क्योंकि हमें स्विच केस वहाँ पे यही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे साल कॉलेज आ गया, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे एक दिखता हूँ स्टूडेंट नेम, इसको रन करते हैं, सो माई नेम इज़ योगेश, ठीक है। जैसा आउटपुट चाहिए था वैसा ही आउटपुट आ गया। सो आप फंक्शन के थ्रू इसको यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्या किया हमने कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, फिर सॉरी यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया उसके बाद स्विच केस किया। सो ऐसे ही इनम क्रिएट करो कि जो भी नीड है हमारी वो एक फंक्शन के अंदर ही आ जाए। सो मैं डायरेक्टली जो भी केस है डॉट डायरेक्ट फंक्शन का नेम लिख के स्ट्रिंग जो भी आपको रिटर्न चाहिए वो रिटर्न डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा था, ठीक है। उसके बाद इनम को ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही डिक्लेयर कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि इनम जेंडर लिख देते हैं, केस मेल फीमेल, ओके। आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो और इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो, सीक्वेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। अभी एक और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं कि इनम के पैरामीटर रखते हैं, ठीक है, थीके? तो वो थोड़ा आपको हेल्प होगा। तो यहाँ पे विथ आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे मैं एक इनम क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे उसका मैं नाम क्या दू, स्टूडेंट स्टूडेंट्स स्टूडेंट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट टा सॉरी केस स्टूडेंट नेम, वो होगा स्ट्रिंग में, और एक और केस ले लेते हैं मार्क्स, यहाँ पे मैं तीन मार्क्स लिखते हैं, तीन आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ, ठीक है, ओके। अभी इसको कैसे यूज़ करना है गाइस, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ विथ फंक आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट्स, ओके। यहाँ पे कॉल भी कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है अभी। सो क्योंकि ये प्रिंट हो गया है ना इसलिए, ओके। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे स्टूडेंट डिटेल करके, उसके बाद जो भी नेम है वो हमारा इनम का डॉट स्टूडेंट नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योगेश, देन लेट टू मार्क्स, इसका मैं नेम कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट मार्क्स, तो यहाँ पे मार्क्स एंटर कर देते हैं 12,
एंड 13 एंड 14 आउट ऑफ 20 या 100 में से मत गिन देना यार। ओके इतने कम भी नहीं होंगे मेरे, तो हो गया। उसके बाद स्विच केस ले लेते हैं। मुझे मार्क्स प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ, ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया वो। उसके बाद यहाँ पे केस डॉट स्टूडेंट नेम और यहाँ पे लेट str नेम नेम। ओके जो भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना हो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देना। देन प्रिंट माय नेम इज str नेम। एक और केस वो होगा मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे लेट m1 लेट m2 एंड लेट m3 एंड प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे माय मार्क्स इज m1 m2 m3। डिफॉल्ट केस की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, सो इसको रिमूव कर देते हैं और प्रिंट करते हैं। ठीक है ओके ये ब्रेक पॉइंट में सारे रिमूव कर देता हूँ पहले और इसको रन करते हैं। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक है माय मार्क्स इज 12, 13 एंड 14 क्योंकि यहाँ पे हमने मार्क्स लिखा था। अभी यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे नेम कर दूंगा सो आप सबको भी पता है कि आ जाएगा कि माय नेम इज ये होगा वो योगेश। ठीक है ओके गाइस तो एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ। इनम विथआउट टाइप और विथ टाइप हम यूज कर सकते हैं। इनम हम स्विच के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है और ऐसा भी कर सकते हो कि इनम को अपने अंदर एक फंक्शन बना दो और वहाँ पे ही स्विच केस डाल दो, सो वो तो बहुत बेटर है, बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, इनम के अंदर भी आप फंक्शन बना सकते हो और इनम के आप पैरामीटर थ्रू भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, उसको हमने पैरामीटर दिया है, आर्ग्यूमेंट दिए और उसको यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया। ठीक है इनम के बहुत ही गाइस एडवांटेजेस हैं और मॉडल के थ्रू मॉडल और इनम उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा और गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और हाँ गाइस मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इंग्लिश के अंदर ट्यूटोरियल बनाने के लिए मुझे बोल रहे थे। ठीक है तो मैं इंग्लिश में ट्यूटोरियल तो नहीं बना सकता बट मैं ऐसा करूंगा कि वीडियोज़ के अंदर हो सके तो मैं सबटाइटल इंग्लिश में दे दूंगा। ठीक है क्योंकि हिंदी में नहीं छोड़ूंगा, सो आप टेंशन मत लेना और गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।